हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग मीशो राखी स्पेशल कुर्ती सेट्स हॉल। सो देखते हैं कि मैंने कौन कौन से सूट जो है मीशो से परचेज किए हैं। गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है मीशो से ये सारे कुर्ती सेट्स परचेज किए हैं। ये सारे कुर्ती सेट ना मतलब इस फेस्टिव सीजन के हिसाब से मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला जो सूट है मैंने ये परचेज किया है, ये कुर्ता एंड स्ट्रेट पैंट का सेट है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पिंक एंड पीच कलर में, रोजी पिंक कलर में आपको ये सूट मिलता है। तो इसका जो कुर्ता है मैं दिखा देती हूँ आपको। एंड इसके साथ में जो है मुझे इस तरीके का बॉटम रिसीव होता है। सो इसका जो कुर्ता है ना गाइस, कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का कुर्ता आपको रिसीव होता है गाइस। इसके फ्रंट में ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा वर्क हो रखा है। जैसा आप देख सकते हो, ये सारे मिरर वर्क हो रखे हैं सिल्वर कलर के साथ में। इसके भी ये थ्रेड है एंड इसके बीच में ऐसे मिरर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। एंड इसके फ्रंट में जो नेक डिज़ाइन है, इसमें आपको थोड़ा सा ये हल्का सा वी कट की डिज़ाइन भी आपको मिल जाती है। एंड इसकी स्लीव जो है, अगेन थर्ड फोर स्लीव है, इसकी स्लीव पर भी कुछ इस तरीके की डिज़ाइन जो कुर्ती के फ्रंट में है वैसे ही डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। देख सकते हो इसके फ्रंट, इसका योग पार्ट ना इतना ज़्यादा अमेजिंग है, पहनने के बाद में बिल्कुल आपको फेस्टिव वाइब देने वाला है। एंड वैसे भी राखी जो है डे वाला फंक्शन होता है, तो डे के हिसाब से ये वाला सूट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड सिंपल सा फेस्टिवल होता है तो ये वाला सूट ना बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देने वाला है आपको। इसके फ्रंट में ही आपको यहाँ पर वर्क मिलता है, बाकी पूरा कुर्ता प्लेन है। आप देख सकते हो पूरा कुर्ता ये प्लेन है। एंड इसका फैब्रिक ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कुछ इस टाइप का फैब्रिक इसका मटेरियल आपको ऐसा इस तरीके का मिलता है। इसके बीच में आपको वाइट कलर या सिल्वर कलर की ऐसी धारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वाला ओवरऑल सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। एंड इसको पहनने पे इतना प्यारा लुक आता है ना आपका, सिंपल सा डिसेंट सा बट येट एलिगेंट लुक आपको देता है ये। एंड साथ ही मुझे जो है इसमें इस तरीके का बॉटम रिसीव होता है गाइस, ये पूरा फुली इलास्टिकेटेड इस वेस्ट बैंड के साथ में आपको मिलता है। एंड इसके लास्ट में इसका जो एंड पार्ट है, यहाँ पे आपको ये लेस मिलती है, लेस डिज़ाइन मिलती है। एंड बाकी पूरा बॉटम भी इसका प्लेन आपको रिसीव होता है। ये बॉटम जो है ना इसका, ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये ओवरऑल सूट ना मुझे बिग थम्स अप है, आप बेफिक्र होकर परचेज कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट वाला जो सूट है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है। एंड गाइस, इसका जो कुर्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो। ये फ्रॉक स्टाइल कुर्ता है एक्चुअली, ये पूरा फुल लेंथ तक आपको ये कुर्ता रिसीव होता है। एंड इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा चिकन का वर्क आपको मिलता है गाइस, आप देख सकते हो। फ्लोरल वर्क आपको मिलता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने के बाद में। एंड इस राखी पे ये वाला सूट भी आप परचेज कर सकते हो, हाईली रिकमेंडेशन है ये। एंड इसके स्लीव्स पे भी आपको ये चिकन वर्क मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आगे एंड पीछे भी आपको मिलता है। इसकी थर्ड फोर्थ स्लीव्स है, इस पर बॉर्डर पे आपको ये मिलता है। एंड बाकी फ्लोरल प्रिंट आपको मिलती है। एंड यहाँ पे भी आपको ये चिकन वर्क मिलता है। ओवरऑल ये सूट ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हो। इस पर पूरे कुर्ते पे आपको ये चिकन वर्क मिलता है, आप देख सकते हो। एंड इसके लास्ट में ना इतने बड़े बड़े वर्क आपको मिलता है गाइस। ये ओवरऑल ये सूट ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा मुझे। आगे से पूरा फुल वर्क आपको मिलता है एंड पीछे से आपको बिल्कुल प्लेन कुर्ता रिसीव होता है, बट इसके स्लीव्स पे पीछे भी इस तरीके से आपको वर्क मिल जाता है। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड इस फेस्टिव सीजन में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है ये वाला सूट। एंड इस पर हर साइजेस अवेलेबल हो जाएंगे। एंड इसका जो बॉटम है ये वाइट कलर का रिसीव होता है, ये प्लेन बॉटम रिसीव होता है, बट इसके लास्ट में ना इस तरीके की डिज़ाइन आपको मिलती है गाइस, जो कि जाली वाली नेट वाली डिज़ाइन आपको मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है पहनने के बाद में। एंडली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड आपको रिसीव होता है। इसका ये जो बॉटम है ना हल्का सा ट्रांजी है बाकी, बट ये जो कुर्ता है ना फुल लेंथ कुर्ता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में तो आपको ये केवल डिज़ाइन इतनी डिज़ाइन दिखती है पहनने के बाद में बस। एंड इन सबका जो कोर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कुर्ते की तरफ। नेक्स्ट वाला जो कुर्ता सेट है वो मैंने परचेज किया है, वो है ये। एंड ये वाला कुर्ता सेट है मैरून कलर में एंड वाइट कलर के बॉटम के साथ में मुझे रिसीव होता है। फ्रेंड, ये वाला कुर्ता सेट ना
जितना ज़्यादा खूबसूरत पिक में लग रहा था उतना ज़्यादा मतलब इसको पहनने के बाद उतना अच्छा लुक नहीं आता है। एंड इसकी पहले मैं आपको कुर्ता दिखा देती हूँ। इसका कुर्ता ये है, इस तरीके का कुर्ता आपको रिसीव होता है। आपको ये फ्रंट में ना ये इस तरीके का थ्रेड वर्क मिलता है, पूरा लाइनें आपको मिलती है इसकी थ्रेड वर्क की। एंड इसके फ्रंट में भी वी कट डिज़ाइन आपको मिल जाती है थोड़ी सी, बस इतना ही वर्क आपको योक पार्ट में यहाँ यहाँ पे ये मिलता है थ्रेड वर्क। इसकी स्लीव्स अगेन थर्ड फोर्थ स्लीव्स है, स्लीव्स के एंड में भी आपको ये थ्रेड वर्क मिल जाएगा। बाकी पूरा प्लेन कुर्ता आपको मिलता है। वैसे ये वाला कुर्ता सेट अगर परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। बाकी इसका फैब्रिक ना मतलब ओके सा ही फैब्रिक है इसका, इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फैब्रिक नहीं है। बट इसकी जो थोड़ी सी फिटिंग है ना मतलब वो फिटिंग इसकी थोड़ी सही नहीं आती है, मतलब यहाँ से तो सही फिटिंग आती है, बाकी इस जगह से ना बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे स्टिच किया हुआ है। अगर यहाँ तक ही स्टिच किया हुआ होता तो मे बी फिटिंग अच्छी आ जाती, बाकी यहाँ थोड़ी इसकी फिटिंग भी मतलब ओके से ही है, इतनी खास फिटिंग नहीं है। जो बॉटम है कुछ इस तरीके का बॉटम रिसीव होता है गाइस, ये भी मतलब प्लाजो नहीं है, मैं पूरे पैंट ही रिसीव होती है आपको ये। इसमें भी फुली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड आपको मिलता है एंड पूरे मतलब पूरे बॉटम वियर में आपको इस तरीके की प्रिंट मिलती है, पूरे पे ही प्रिंट आपको मिलती है आगे पीछे दोनों ही साइड में। एंड इसका बोट मतलब ये वाला सूट ना मुझे मतलब ओके सा ही लगा। बाकी अगर इसे आप परचेस करके देखना चाहते हो तो परचेस कर सकते हो, बाकी मुझे इतना कुछ खास ये वाला सूट लगा नहीं। इसका फैब्रिक भी मतलब ओके ही है, इतना अच्छा फैब्रिक नहीं है। नेक्स्ट वाला जो कुर्ता सेट है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है एंड ब्लू बैंगनी कलर में ये कुर्ता सेट आपको रिसीव होता है गाइस। ये वाला कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, साथ में कुछ इस तरीके का बॉटम रिसीव होता है, मैं दिखाती हूँ अभी। पहले जो इसका ये कुर्ता है ना कुछ इस तरीके का देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा ये कुर्ता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड इसका योक पार्ट पे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा वर्क किया हुआ है आप देख सकते हो गाइस। एंड इसकी जो नेक डिज़ाइन है ना कुछ इस तरीके की है, नेक में भी इस तरीके की ये डोरी विद टैसल्स आपको मिल जाती है जो कि पहनने पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी इसमें कुछ इस तरीके की आपको ये डिज़ाइन मिलती है गाइस, ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड पूरा ये थ्रेड वर्क एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको ये मिल जाता है इस पर। एंड बाकी जो ये आपको दिख रही है ये प्रिंट है, ये मतलब वर्क नहीं है, वर्क केवल यहाँ यहाँ पे किया हुआ है। बाकी पूरे कुर्ते पे इस तरीके की ये छाप टाइप ये प्रिंट आपको मिलती है आगे एंड पीछे पूरे पे। एंड इसकी स्लीव डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे प्रिंट मिलती है एंड बाकी यहाँ पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है। ये कुर्ता भी इस फेस्टिव सीजन के हिसाब से या इस राखी पे बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। बस इसके जो कुर्ते की लेंथ है ना जितना पिक में दिख रहा था उतना ज़्यादा लेंथ नहीं है इसका, थोड़ा सा छोटा लेंथ मुझे रिसीव हुआ है इसका। इस कुर्ते का अगर थोड़ा सा लेंथ और मिल जाता ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसका, पर जितना ज़्यादा पिक में दिखा रखा था लेंथ उतना मतलब नहीं है रियल में। एंड इसका जो बॉटम है कुछ इस तरीके का बॉटम आपको रिसीव होता है गाइस, एंड कुछ इस तरीके का यहाँ से टाइट है एंड बाकी यहाँ से थोड़ा सा लूज सा होता है ये, मतलब प्लाजो भी नहीं है ना स्ट्रेट पैंट है, कुछ इस टाइप का ये बॉटम आपको रिसीव होता है। पूरा प्लेन है बस इसके एंड में ही एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको, एंड इसमें भी फुली इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड आपको रिसीव होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हो फेस्टिव सीजन के हिसाब से। ये वाला सूट भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको और कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये सूट परचेज करने हैं तो इनके कोड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड गाइज यही था मेरा आज का हॉल, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरीके से आपके साथ में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करती हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।